बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई तमाशा हो या मोहल्ले में कोई बातें बनाए, तुमसे नाम जोड़े, समझे? अम्मी के घर चले? आज नहीं, कल चली जाना। इस बार ना कुछ दिन रुक कर आऊंगी मैं। जो तुम्हारी खुशी। अशर, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है, ऐसा ख्वाब जिसके पूरा होने का शिद्दतों से इंतजार था। सच पूछो तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरे लिए तो ये इनाम तुम्हारी नेक नियति पर लीजा के लिए स्टैंड ले। अल्लाह ने हमें औलाद की सूरत में इनाम दिया। आज के बाद किसी लड़की को छेड़ने से पहले हजार दफा सोचना। अच्छा नहीं किया, देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें। निकल। या अल्लाह, बस साथ खैरियत के मुझे नानी बना दे, मेरी बेटी को जान सा बेटा दे। या अल्लाह, सब काम अच्छे कर दे। अरे ये सब मेरी अरीशा के कदमों की बरकत से हुआ है। अच्छा मेरे पास मैं ना कहती थी बहुत खुशबख्त है ये, इसके आते ही अल्लाह ने सारे काम सीधे करने शुरू कर दिए। अब जरा अपना ख्याल रखना खाने पीने का, समझ आइए। हम
सॉरी सर, वो फैमिली इशू था, उसकी वजह से जल्दी ऑफ लिया। सिर्फ कल की बात नहीं है मिस्टर माज, मैं काफी अरसे से नोट कर रहा हूं, आप सुबह देर से आते हैं, शाम में जल्दी चले जाते हैं, काम पर कोई फोकस ही नहीं है। अगर यही रूटीन रही तो मुझे कोई सख्त स्टेप लेना पड़ेगा, प्लीज मुझे मजबूर ना करें। यू मे गो सर। अब अपने खाने पीने का जरा ख्याल रखना, ना सलाम ना दुआ, सीधा चल दिए। इतनी तौफीक नहीं होती कि दो घड़ी मां और बहन के साथ बैठ के गपशप कर लो। हम अरीशा थोड़ी है अम्मी जो हमारे साथ आके बैठेगा। इसीलिए नहीं बैठता आपके पास। क्योंकि ये जब भी मुंह खोलेगी जहरी उगलेगी। कोई तरीके की बात तो निकलती नहीं इसके मुंह से। तरीका और तरबियत तो तुम भी भुलाए बैठे हो भाई। वैसे देखा आपने कैसे मुझ पे तंज के तीर बरसा रही है ये। इसलिए बैठा करूं उसके साथ ये सब सुनने के लिए। अरे बस कर दो, क्या हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। इतने अरसे बाद आई है बहन घर, मुबारकबाद ही दे दो। किस बात की मुबारकबाद? तुम मामू बनने वाले हो क्या? मुबारक हो, खुश रहो। ऐसी रूखी सुखी मुबारकबाद ना, तुम्हें ही मुबारक हो भाई। शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। मैं काफी अरसे से नोट कर रहा हूं, आप सुबह देर से आते हैं, शाम में जल्दी चले जाते हैं, काम पर कोई फोकस ही नहीं है। अगर यही रूटीन रही तो मुझे कोई सख्त स्टेप लेना पड़ेगा। अभी मम्मी, ये क्या हर वक्त भाई के आगे पीछे घूमती रहती है? कहां बेचारी है तमीज जो भाई और भाभी के लिए। भाभी नहीं है वो मेरी। अरे मारिया, जो भी तेरे दिल में है ना रीशा के लिए, निकाल दे सब, दिल साफ कर ले। और तुझे तो इसका शुक्र गुजार होना चाहिए। अम्मी, मैं उसकी शुक्रगुजारी क्यों करने लगी? मुझे ये नेमत ना अल्लाह की तरफ से मिली है, इसमें आपकी अरीशा का कोई कमाल नहीं है। हाँ, अगर आप अलीजा का नाम लेती तो शायद मैं मान भी लेती। है किस मनहूस का नाम ले दिया? नहीं है वो मनहूस अम्मी। तबीयत तो ठीक है तेरी?
ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर किसी का ना अपना सोचने का अंदाज होता है अम्मी। शायद मेरा सोचने का अंदाज ही बदल गया। जैसे आपको अपने लिए ना वो अरीशा खुशकिस्मत लगती है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अलीजा के हक में बोला, इसीलिए शायद अल्लाह ने मुझे इस महरूमी से दूर कर दिया। सब अशर की पढ़ाई पट्टियां हैं, कुछ अपनी अक्ल को हाथ मार। इतनी पहुंची होती ना अलीजा तो आज अपने शौहर के दिल पे राज कर रही होती। मुझे यहाँ पे अपनी जॉब की फिक्र पड़ी हुई है और तुम्हें तुम्हें डिवोर्स की पड़ी हुई। क्या हुआ जॉब को? बॉस ने मुझे पहली और आखिरी वार्निंग दी है बस। पर क्यों? वो लोग तो तुम पे बहुत मेहरबान थे नमाज, तो वार्निंग की नौबत क्यों आई? भाई मेरी लापरवाही की वजह से बस फिर से बॉस के सामने मेरी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है। इतनी मुश्किल से मैंने मनवाया था खुद को, अपनी साख बनाई थी और नहीं मास, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। ये घर, ये आसाइशें, ये सब हमसे छिन जाएगा। तुम्हें कुछ करना होगा मास, कुछ करो। यानी कि तुम्हें मेरी परेशानी के बजाय इस घर और आसाइशें छिन जाने की फिक्र है? नहीं मास, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। मेरा तुम्हारे साथ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं, कुछ भी नहीं। तुमसे बढ़कर मेरे लिए यही आसाइशें तो अहम है। अगर यही नहीं होगी तो तुम जैसे फकीर के साथ रहकर जिंदगी नहीं बर्बाद करोगे। इसके बाद यहां पे नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहां से। अच्छा हुआ जो आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया ये मंजर, वरना ये नजारे तो हम रोज ही देखते हैं। ये इल्जाम है मुझ पर? किस बात पर यकीन करूं मैं? उस पर जो तुम अब मुझसे कह रही हो। मुझे तो शुरू से इसके लक्षण पे शक था। बेटा मैं तो कहती तीन लफ्ज उठा के इसके मुंह पे मार, फारिग कर दे इसे।
हेलो पुलिस कौन हम लोग अब तो नहीं बच के जा सकते कौन क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार तेरी तो तुम हो जो घर में घुसे हो या ये शरीफों का मोहल्ला है गर्दन छोड़े मेरी क्या हो गया आपको गलत समझ रहे हैं आप तुम इतना गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था नहीं 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 आप गलत समझ रही हैं आपके घर दो लड़के आ गए थे मैं आपको बचाने आया था आपके लिए आया था मैं सुन लिया ना आप लोगों ने रात के इस पहर ये इनके लिए आए थे बात को गलत रंग ना दे शफीक साहब मैं आपको बता रहा हूँ दो लड़के इनके घर आए थे भाग गए मैं आपको बचाने आया था आपके लिए आया था रिजर्व अलीजा पुलिस आइए एसएचओ साहब लेकर जाइए इन्हें लगता तो बहुत शरीफ था और हरकतें देखो इसकी शरीफों के वतीरे नहीं होते मियां राह चलती लड़की को ताड़ें और रात के इस पहर उसके घर में घुस जाएं अब तो आप सब समझ गए होंगे ना एसएचओ साहब लेकर जाइए इसको गिरफ्तार करो इसको जीना हराम किया हुआ इंस्पेक्टर साहब इसने चल क्या देख रहा है ले जाएं चलो चलो शर्म नहीं है सही किया आपने शफीक साहब ये हमारी जिम्मेदारी है बेटा परेशान ना हो दरवाजा बंद करो हम हैं ना शरीफों का मोहल्ला है ये आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सब बहन बेटियों वाले लोग हैं बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का सच बोल सच यही सच है मैं गया था वहां उन्हें बचाने के लिए सर क्या लगता है तू उसका भाई नहीं जी शोर तो तू हो नहीं सकता है फिर क्या लगता है कुछ नहीं जी अबे तो गुस्सा क्यों था घर में सर मैं कह तो रहा हूँ मैं उन्हें बचाने के लिए गया था उनके घर में फिर वही बातें ने शुरू कर दी पुरानी अबे इसको ले जा डाल लॉकअप के अंदर दो दिन लॉकअप में रहेगा ना इसके अकल ठिकाने आ जाएगी ले जा इसको सर मेरी बात तो सुने मैंने सर जी मैंने कुछ नहीं किया तुम इतना गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था क्या सोचती होगी अलीजा जी मेरे बारे में क्या वो मेरे बारे में सोचती होंगी ये दिल और इसकी खुशगुमानियां
तुम हमेशा ही ऐसा करती हो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, देख लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम चक्कर लगा लेना ना। हाँ वरना क्या मसला है, मैं लगा लूंगी, आ जाऊंगी मैं, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, एक मिनट एक मिनट। क्या कर रही थी भाई के कमरे में? तुम कौन होती हो मुझसे ये पूछने वाली? गलती से अगर शरीफ घर में पैदा हो गई हो ना, तो कुछ लाज रख लो मामू के खून की। और अगर यही सब करना है ना तुमने, तो जाओ वहीं पर जहां तुम जैसी लड़कियां जाती हैं, जाके लुभाओ मर्दों को वहां पर, दांत वसूल करो उनकी। आँख खराब हो गया तुम्हारे, कैसी घटिया बातें कर रही हो उसके साथ तुम? क्या हो गया, सुबह सुबह क्या शोर मचाया हुआ? पूछे अपनी इस चहेती भतीजी से, घर को घर नहीं अयाशी का अड्डा बनाया हुआ है। क्या हुआ है बेटा? तेरा दिमाग खराब हो गया? इस हालत में हाथ उठाएगा बहन पे? क्या हो रहा है बेटा? क्या हुआ है मारिया को बेटा? वो बेध्यानी में बस चलते चलते गिर गई थी। सॉरी, गिरने की वजह से पेशेंट का मिसकैरेज हो गया। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का।
मार दिया मैंने। किसे मार दिया, क्या कह रहे हो मास? मारिया को इतने सालों बाद खुशी मिलने लगी थी और क्या हो गया मुझसे? देखो मास, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना, वो बस एक एक्सीडेंट था। नहीं था एक्सीडेंट, कत्ल हुआ है मुझसे, मेरे इन हाथों से एक मासूम जान का कत्ल हुआ। अच्छा देखो, तुम संभालो खुद को, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा कहाँ गई वो डायन? मेरा बच्चा, मेरी खुशी सब बर्बाद कर दिया आपकी चहेती ने। मैं बच्चे को गोद में खिलाने के ख्वाब देख रही थी, चकनाचूर हो गया। कितनी बदनसीब हुआ हूं मैं। औलाद की खुशी तो मिली लेकिन उसे देखना नसीब नहीं हो। सबर कर मेरी बच्ची, सबर कर। देखना तेरा सबर कैसे पड़ेगा उस पे, इंशाल्लाह। छोड़ो मुझे, बैठ, नहीं बैठना, बैठ, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं बैठना, बैठ, मुझे, मैंने कहा उठे नहीं बैठना, जा यहाँ से, अच्छा जाती, मैंने कहा जा वरना मुंह डालूँगी, मारूँगी, कब से कह रही, हट, जाती रहना, मारूँगी नहीं, जाओ, जाओ चले जाओ, क्यों नहीं जाओ, चले जाओ, वापस नहीं आना, कब से कह रही हूँ? मार डालूंगी। अस्मा, अस्मा, क्या हुआ अस्मा? जल्दी करो बेबी, आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई। मना कर रही हूँ, मना कर रही हूँ, अब आएगी तो जान ले लूंगी तेरी। पागल कर दिया मुझे,
जाती नहीं है घर से। पागल कर दिया मुझे। मम्मी छोड़ो यहाँ से। जाए हाँ हाँ जा रही जा रही आ गई है। छोड़ो क्या इसको। चली गई चली गई जा रही जा रही जा रही जा रही। बात क्या हो गया। नहीं मैं मारूंगी इसको। बात बात चली गई। अम्मी बस चली गई। जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी तो है लेकिन फिर हीरो से जीरो हो गए तो स्टैंड बाय पे कोई तो होना चाहिए। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। मास फिर एब्सेंट है आज? पता नहीं बॉस, मैंने मैसेज किया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। कॉल हिम। ओके बॉस। बॉस फोन ही उठा रहा। Call him again now. Okay, boss. हाँ, hello, Maaz. क्यों बार-बार फोन करके तंग कर रहे हो मुझे? मैंने कहा ना बात नहीं करनी मुझे अभी इस वक्त। फोन बंद करो। आप वापस दाखिल करा दें इन्हें बाजी। नहीं, ये मेरे साथ ही रहेंगी अब। बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्हें संभालना। आज तो नाइट ड्यूटी थी और मैं आपके एक ही फोन पर आ गई, पर कल क्या करेंगी आप? बाजी थोड़े और दे दें, बड़ी मुश्किल से संभाला है सारा दिन इनको। कोई रिटायर्ड नर्स हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। एक दो हैं हेड नर्स हैं जो फारिग हैं, मैं बात करके आपको बताती हूँ। थैंक यू अस्मा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरूरी बात करनी थी। कहिए। मास बेटे का नंबर चाहिए, बात करनी है उससे। क्या बात करेंगे? अरे भाई समझाऊंगा उसे कि बीवी के क्या हकूक होते हैं तफसील से। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर का मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे। प्यार तुमने किया माज और रुस्वा सिर्फ मैं हो रही हूं।
अम्मी आई नहीं अभी तक? नहीं, वो शायद आज मारिया के साथ ही रुकेंगी। तुम कब तक परेशान होते रहोगे मास? इसमें भी अल्लाह की मसलियत ही होगी ना कोई। तुम एक काम करो ना, हम कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, ताकि तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। मास, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मोहल्ले वालों ने बुलाया है। क्यों? ताजा ताजा चक्कर पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ी गई है, पूरे मोहल्ले ने तमाशा देखा है। तुम किस चीज का इंतजार कर? तलाक दो इसे।